नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम आलू, बैंगन और सोयाबीन, सोया नगेट्स, इसको मिलाकर बढ़िया सी सब्जी बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने सोयाबीन को थोड़ा गर्म पानी में भिगो के रख लिया था, तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम मसालों का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक हैवी बॉटम पैन लेना है, क्योंकि बैंगन है, बैंगन को बहुत ज़्यादा स्टर करनी पड़ती है। तो हम इसको एक ऐसे गहरी वाले लेनी है। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों, जब भी बैंगन की सब्जी बनाएं, तब आप हमेशा इसको मस्टर्ड ऑयल में ही पकाएं, तो इसका टेस्ट ना दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले रखी हूँ, और ये जो सोया नगेट्स है, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो फर्स्ट हम इसका जो पानी है, इसको निकाल देते हैं, अच्छे से निचोड़ ले, क्योंकि फ्राई करना है हमको। मैंने इसको इसलिए गर्म पानी में खाली डुबो के रखा था, अगर आप इसको ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये पूरा सॉगी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारा निचोड़ लिया है। तो अभी हम इसको, ऑयल भी तब तक गर्म हो गया, तो हम इसको डाल देते हैं। इसको हम थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल के इसको फ्राई करेंगे। चाहे तो थोड़ा सा कलर के लिए रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, बढ़िया से फ्राई हो गया है। अभी हम इसको निकाल देते हैं। अभी उसी पैन में दोस्तों थोड़ा सा ऑयल और ऐड करते हैं, ताकि हम इसका ग्रेवी बना सकें। तो थोड़ा सा जो तेल है, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, तेल गर्म हो गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे पंचफूरन। आप चाहे तो जीरा और कलौंजी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पंचफूरन डाल रही हूँ। तो दोस्तों, ये पंचफूरन को पूरी तरह से क्रैकल होने के लिए दें। इसके बाद हम डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, डाल दिया ऐसे ही। ये पंचफूरन अच्छी तरह से क्रैकल हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब इसमें चॉप करा हुआ अनियन डाल देंगे, बारीक चॉप कर रखा है मैंने। अनियन को लाइट ब्राउन कलर होने तक हम इसको कुक करेंगे। बहुत ही बारीक चॉप कर रखा है, तो जल्दी ये हो जाएंगे। देखिए, लाइट ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे, मैंने इसको कूट के रखा था, जिंजर। इसमें हमेशा कुटा हुआ मसाला ही डालें दोस्तों, इसमें पेस्ट वाला ना डालें। मैं गार्लिक भी फ्रेश कूट रही हूँ। देखिए, मैंने कूट लिया है। इसका मैं आधा यूज कर रही हूँ अभी, बाकी आधा बाद के लिए मैं रख रही हूँ इसको बचा के। अभी इसको बस कुछ सेकेंड के लिए ही हम फ्राई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, इसको कुछ सेकेंड के लिए कुक करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो मैंने इसको 10 सेकेंड के लिए कुक कर लिया था। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ना है, तो इसलिए हम सीजनिंग ही थोड़ा अभी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि टमाटर जल्दी कुक हो जाए। टर्मरिक पाउडर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और तीखे के लिए नॉर्मल जो हमारा रेड चिली पाउडर है। अब इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाए, फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे।
देखिए टमाटर काफ़ी गल गए हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ही मैश कर लेते हैं। इसको मैश करके थोड़ी देर और कुक करने के लिए छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टमाटर ऑलरेडी कुक हो गए हैं। इसका सिर्फ इसको मैश करने के लिए हमको, ताकि इसका ग्रेवी जो है बहुत ही थिक हो जाए। अच्छी तरह से टमाटर को मैंने मैश कर लिया है। अभी हम सारे सब्जियां डाल रहे हैं, पोटैटो, ब्रिंजल, बैंगन, और इसी के साथ ही हम डाल देंगे जो सोयाबीन फ्राई करके रखा था उसको भी डाल देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा और मसाले हम ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर। मैं बस एक और डेढ़ छोटा चम्मच डाल रही हूँ, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सब्जियों के साथ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन बहुत ड्राई लग रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा डालूंगी। अभी थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल लूँ ताकि मसाले कुक हो जाए। यहाँ पर मैंने कच्चा आलू ले रखी हूँ, अगर आप चाहें तो जल्दी आपको अगर बनानी है तो बॉयल्ड उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। बॉयल्ड पोटैटो डालने से सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगे। इसमें सिर्फ पोटैटो ही है जिसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत है। तो इसको हमने पानी डाल दिया, तो थोड़ा देखिए थोड़े से इसका ग्रेवीनेस आ गया, तो हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। देखिए दोस्तों, इसका पानी जो है पूरा कम हो गए हैं। पोटैटो चेक करते हैं, पोटैटो बॉयल हो गए हैं। तो ये दोस्तों, ये तो रेडी है। अगर आपको इसमें और ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा और वाटर ऐड कर सकते हैं, ग्रेवी आपके पसंद के हिसाब से। तो मैंने थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करा है। अभी हम लास्ट को ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आधा गार्लिक कूट के रखा था उसको हम लास्ट को ऐड करेंगे। देखिए, जो गार्लिक मैंने आधा कूट के बचा के रखा था उसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा रफली कूटा था इसको मैंने। इससे जो गार्लिक फ्लेवर आएगा, अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते। इसमें हम डालेंगे लास्ट को, अगर आप, ये ऑप्शनल है दोस्तों, थोड़ा चिकन मसाला, जो भी रेडीमेड मसाला आ रहा है, थोड़ा सा चिकन मसाला और गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, लास्ट को गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया से। दोस्तों, ये हमारा आलू बैंगन और सोयाबीन की सब्जी रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आएंगे दोस्तों। रोटी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब श्योर कर लें। थैंक यू।